भारत की हर बात निराली है, सुहानी है, हर चीज की यहाँ अपनी एक कहानी है। कहानियों की बात हम करें तो रेल सबकी रानी है। जी हाँ, मैं वो लौहपत गामिनी हूँ जिसकी हालत आप देख रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा कर दिया गया? मुझसे क्या गलती हो गई जो मुझे ये सजा दी जा रही है? यहाँ हर किसी का अलग किस्सा है, रेल हमारे जीवन का हिस्सा है। ये पंक्तियां तो सिर्फ शब्दों के फेर में फंस कर रह गई जनाब। जीवन के हिस्से को अग्नि की लपटों में सुहा नहीं किया जाता। मैंने तो हर यात्री को अपने बच्चे के भांति अपनी गोद में बैठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। उसकी माँ का रूप सजोकर उसे उसके ठिकाने तक छोड़ा है। जनाब, मेरी गोद में कुछ यात्रियों का ही स्थान होने पर भी मैंने अपनी गोद को माँ के सागर रूपी हृदय के समान विराट कर उनको जगह दी है। बिना थके बिना रुके दिन रात चलकर भी उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाया है। घड़ियाल बाबू चाहे रात के समय का डर दिखा रहे हों, पर मैं बिना रुके चलती रही, कहीं मेरे यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचने में देरी ना हो जाए। मुझे चलाया गया, मैं चली, और जितना जलाया गया उतना मैं जली। बस दुख तो इस बात का है, जिसे अपनी गोद में बिठाया उसी ने मुझे जलाया। दो धुरियों के विपरीत सोच में मुझे ही क्यों चुना गया? जब मेरे साथ ये होता है तो मुझे वो दृश्य याद आ जाता है जो द्रौपदी के साथ हुआ। उन्हें तो भगवान कृष्ण ने बचा लिया, पर मुझे कौन बचाएगा? मुझे रात में जगाया गया तो मैं रात में जग गई, और सुबह जल्दी उठाया गया तो उठ गई। सूर्य की तेज किरणों में दौड़ाया या भारी बारिश में घुमाया, पर चलो इस बात को छोड़ो, मुझे उन बच्चों से ज्यादा प्यार मिला जो मुझे दौड़ते देख मुस्कुरा देते हैं और घंटों मेरा इंतजार करते हैं। मेरी एक झलक पाकर वो मुस्कुरा देते हैं और अपना हाथ हिलाने लगते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ मेरी इस परीक्षा का मुझे कारण बताया जाए, मैंने क्या किया मुझे ये बताया जाए।